हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ आपका माय सुपर बेस्ट चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन गार्नियर बीबी क्रीम, पॉन्ड्स बीबी क्रीम एंड लैक्मे सीसी क्रीम। कौन सी क्रीम किन के लिए सूट होती है ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो बीबी मीन्स ब्यूटी बेनिफिट्स। तो ये जो बीबी क्रीम है ये हमें स्किन केयर बेनिफिट्स देती है और ये हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे हमें नेचुरल फिनिश मिलती है। सीसी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्शन केयर। सो सीसी क्रीम इसको थोड़ा ज्यादा कवरेज होता है और ये भी हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं और ये कलर करेक्टिंग की तरह काम करता है। मतलब ये चेहरे पे जो भी डार्क स्पॉट्स या रेडनेस है उसको कवर करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गार्नियर बीबी क्रीम की। सो दिस इज द ट्यूब। ये मेरे पास 18 ग्राम की ट्यूब है। इसकी प्राइस है 130 रुपीज। दिस इज लाइक डेली ऑल इन वन मॉइस्चराइजर और ये स्पेशली इंडियन स्किन के लिए डिजाइन की गई है क्योंकि इसमें एक ही शेड आता है। सो ये थोड़ा सा मीडियम और फेयर स्किन के लिए डार्क हो सकता है कलर। सो दिस इज द डाउन साइड ऑफ दिस प्रोडक्ट। देन मैं बात करूंगी लैक्मे सीसी क्रीम की। सो लैक्मे सीसी क्रीम ये है 9 ग्राम का प्रोडक्ट और इसकी प्राइस है 115 115 और इसका SPF है 30 PA++ which is good point। इसमें दो शेड्स अवेलेबल है, एक है ब्रॉन्ज और एक है बीज। मेरे पास जो ये शेड है ये ब्रॉन्ज। इसके बाद ये है पॉन्ड्स बीबी क्रीम। ये भी 9 ग्राम की ट्यूब है और इसकी प्राइस है 80 रुपीज। पॉन्ड्स बीबी क्रीम में SPF 30 PA++ है, अगेन सेम है। सो डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते हो और ये यूज करने के बाद आपके जो स्किन फ्लॉज है जैसे डार्क स्पॉट्स भी इससे कम होते जाएंगे। ये इंस्टेंटली आपको फेयरनेस भी देगा और धीरे धीरे आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स भी कम करेगा। तो अब मैं बात करूंगी कंसिस्टेंसी के बारे में। तो गार्नियर बीबी क्रीम कंसिस्टेंसी वॉटरी और रनी टाइप है। ये क्रीम मॉइस्चराइजर का काम बहुत ही अच्छे से करती है, इसलिए ये क्रीम ड्राई स्किन पीपल के लिए बहुत ही अच्छी है और ये क्रीम शीयर कवरेज देती है, बहुत ज्यादा कवरेज नहीं देती। ये चेहरे पे अच्छे से ब्लेंड होती है और इसका शेड थोड़ा सा डार्क है। यू हैव टू अप्लाई कॉम्पैक्ट आफ्टर दिस क्योंकि कॉम्पैक्ट से ये बहुत अच्छे से फिर सेट हो जाएगा। सो लैक्मे सीसी क्रीम की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है एज कम्पेयर टू गार्नियर बीबी क्रीम। ये मीडियम कवरेज देता है आपको, ये ज्यादा फाउंडेशन की तरह चेहरे पे दिखता है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक होने की वजह से ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। और ये भी ड्राई स्किन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको इसे भी कॉम्पैक्ट से सेट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऑयली टेक्सचर, सो यू हैव टू सेट इट विद कॉम्पैक्ट। इसके बाद मैं बात करूंगी पॉन्ड्स बीबी क्रीम। ये सबसे ज्यादा थिक लगती है मुझे। ये ब्लेंड करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जब ब्लेंड होती है तो इजीली एब्सॉर्ब होती है स्किन में और ये पूरा स्किन का कलर ले लेती है। इसका फॉर्मूला व्हाइट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्लेकी नहीं लगती। अगर बहुत ही डार्क या विटी स्किन है तो उस पे लग सकती है, लेकिन मीडियम टू फेयर स्किन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पॉन्ड्स बीबी क्रीम। और कवरेज के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा कवरेज देती है। ऑयली स्किन पीपल के लिए ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको पहले मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। पॉन्ड्स बीबी क्रीम का एक प्लस पॉइंट है कि इस बीबी क्रीम को आपको कॉम्पैक्ट से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्किन पे लगाने के बाद ड्राई हो जाती है, इसलिए आपको पाउडर से सेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें भी बस वन शेड है, सो ये ब्रिटिश और डार्क स्किन के लिए इतनी अच्छी नहीं है। इट ऑल्सो फील्स मीडियम ऑन स्किन, नॉट टू हेवी नॉट टू लाइट। अब मैं आपको इन तीनों के हैंड स्वेचेस दिखाऊंगी ताकि आपको इसके कलर के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में और टेक्सचर के बारे में और पता चले। तो ये है गार्नियर बीबी क्रीम, ये है लैक्मे सीसी क्रीम और ये है पॉन्ड्स बीबी क्रीम। अब मैं इनको अच्छे से ब्लेंड करूंगी तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, जैसे गार्नियर बीबी क्रीम का बहुत ही पतला टेक्सचर दिख रहा है, लैक्मे सीसी का अच्छा दिख रहा है, थिक दिख रहा है। और लास्ट में यह है पॉन्ड्स बीबी क्रीम, इसको भी हम ब्लेंड करेंगे। ये थोड़ी सी यहाँ पे व्हाइट दिख रही है, लेकिन चेहरे पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। लैक्मे सीसी क्रीम का कलर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है और ये ब्रॉन्ज शेड है। आपका स्किन टोन अगर फेयर है तो आप ब्रॉन्ज कलर का शेड मत लीजिए, आप बीज कलर का शेड लीजिए लैक्मे सीसी क्रीम का। पॉन्ड्स बीबी क्रीम भी बहुत अच्छा कवरेज देती है। पॉन्ड्स बीबी क्रीम बहुत हद तक आपके डार्क स्पॉट्स को हाइड करती है। गार्नियर बीबी क्रीम ये बिल्कुल भी डार्क स्पॉट्स को और डार्क सर्कल्स को, किसी भी चीज़ को कवर नहीं करती। अगर आपकी स्किन विटिश या डार्क है तो आप लैक्मे सीसी क्रीम ब्रॉन्ज वाली या फिर गार्नियर बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन मीडियम टू फेयर है उनके लिए पॉन्ड्स बीबी क्रीम इज बेस्ट। ड्राई स्किन के लिए तीनों क्रीम बहुत अच्छी है और ऑयली स्किन के लिए पॉन्ड्स बीबी क्रीम इज बेस्ट। अगर ये दोनों भी यूज की तो उसके ऊपर आपको कॉम्पैक्ट लगाना जरूरी है। सो इन तीनों के डिफरेंस मैंने बता दिए है, अब ये आपको चूज करना है कि आपको कौन सी क्रीम यूज करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।